एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इग्नू के पुराने या फिर न्यू स्टूडेंट हैं, जो फरवरी में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर वो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रमोशन को लेकर और फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर। दो बड़ी अपडेट हैं आप सभी के लिए। एक पहली है आपके फरवरी एग्जाम को लेकर कि वो पोस्टपोन होने की ज़्यादा चांसेस हैं, उस पर मैं पूरी बात बताने वाला हूँ, क्या अपडेट्स हैं, ऑफिशियल जानकारी है। और दूसरी बात आपके प्रमोशन को लेकर क्या अपडेट है, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो इस क्विक अपडेट को जरूर देखिएगा। और आज इवनिंग में हम एक सेशन करने वाले हैं जो लाइव सेशन होगा आपका फिर से, जिसमें आप लोग अपनी जो भी सवाल हैं वो पूछ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उस सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, वो सेशन का टाइमिंग आप सभी को हमारे चैनल के पेज पर मिल जाएगी। तो चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके फरवरी 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर कि वो पोस्टपोन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली है आपके दिसंबर 2021 के फॉर्म को लेकर एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, अब 31 जनवरी तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। पहली बात जो कि अपडेट को लेकर और एग्जामिनेशन के एक्सटेंड को लेकर पूरी तरह संकेत देती है। दूसरी बात आपको बताते हैं, दूसरी है आपकी यहाँ पर देखिए री रजिस्ट्रेशन और आप सभी के ऑनलाइन प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह सबमिशन की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हुए 31 जनवरी तक है। तो सोचिए, जैसे जैसे डेट्स एक्सटेंड की जा रही हैं उसका सीधा एंड क्लियर संकेत है कि आप सभी के एग्जामिनेशन डिले होने वाले हैं। एक और बड़ी वजह है जिस पर हम बात करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर आउट करता हूँ कि कौन सी है वो बड़ी वजह जिसके कारण हो सकता है आपके फिर से एग्जामिनेशन डिले होंगे, और प्रमोशन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा पॉइंट टू पॉइंट जो ऑफिशियल जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए उनके लिए कंडीशन रखी कि वो चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके पास में चॉइस है। अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि हम प्रमोशन लेना चाहते हैं तो वो प्रमोट हो सकते हैं। अब ये बात कहकर इग्नू ने बच्चों को कन्फ्यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद से ही यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया कि प्रमोशन को लेकर आपने जो बड़ी बात कर दी ना, अब बड़े वचन बोलने से कार्य तो नहीं चलेगा, आपको कार्य तो करने पड़ेंगे ग्राउंड लेवल पर। वो अभी तक इग्नू ने नहीं किया कि हमने कहा, इग्नू ने जो बात कही कि हम एक ऑप्शनल फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन लिंक जनरेट करेंगे, बट अभी तक हमने देखा कि अभी तक कोई भी लिंक ना ही जनरेट किया, ना ही कोई फॉर्म जनरेट किया है, जिसकी इन्होंने लास्ट डेट टेंटेटिवली रखी थी 31 जनवरी, बट अभी तक देखने में आ रहा है कि कोई भी लिंक जनरेट नहीं किया, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे कई सारे ट्वीट किए हैं। अब दबाव बनाने का कारण आप सभी को समझ आ चुका होगा, अब आप सभी को प्रोटेस्ट करना है, साथ में आना है, ताकि अब इग्नू पर दबाव पड़े और वो सही प्रकार से कार्य करे। अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो जून जैसा हिसाब चला था ना, वैसे ही आपके साथ में भी हो सकता है। तो आप सभी को आगे आना होगा और प्रोटेस्ट में साथ देना होगा, क्योंकि ये तीन वजह हैं जिसके कारण आप सभी के फिर से एग्ज़ाम होंगे पोस्टपोन, और आपके री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। आप जो फॉर्मेलिटी है, जैसे री रजिस्ट्रेशन और आपका असाइनमेंट सबमिशन, ये कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं तो आप लोग प्रमोट की कैटेगरी में, तो आप प्रमोटेड हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक कन्फर्मेशन की बात रह गई, जो इसमें स्टूडेंट को परेशान कर रखा है इग्नू ने, कि वो प्रमोशन को लेकर पूरी तरह क्लियर कट बात नहीं कही है। कम से कम अगर ये प्रमोशन फॉर्म या ऑप्शनल फॉर्म जनरेट नहीं कर पा रहे, तो कम से कम एक नोटिस रिलीज़ करना चाहिए इनको, कि कम से कम ये क्लियर कर दें कि हम आपके मार्क्स डायरेक्ट ऐड कर देंगे और आपको कोई प्रमोशनल फॉर्म या ऑप्शनल फॉर्म फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्लियर एंड कट बात हो जाएगी। जिस बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेगा, जिस बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट होना है वो डायरेक्ट प्रमोशन के लिए अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप एक क्लैरिफाई नोटिस दे देते हैं इस पर, तो कि फिर वो उसके दिमाग में एक सीधा रास्ता हो जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इग्नू को सोचना पड़ेगा और हम सभी इस पर दबाव डालेंगे ताकि वो सही प्रकार से कार्य करें। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से तीन पॉइंट मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गए हों, जिसके कारण आप सभी को पता चला होगा कि आपके फरवरी एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट 31 रखी गई है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है,
और जब भी ये निकलता है तो कम से कम 10 से 15 डेज ये मिनिमम है। वैसे आपके जो डेज मिलने वाले हैं वो 15 से 25 के बीच में जाएगा, उससे आगे भी निकल सकता है, ये आपकी कन्फर्मेशन इसके रिगार्डिंग होगा। तो आप सोचिए कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर कितना ज़्यादा डिले होने वाला है इग्नू में। अभी के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट मेरी ओर से ये एक आकलन था कि आपके फरवरी एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन होंगे, और हम लोग डिमांड करें कि आप पोस्टपोन नहीं, सीधे प्रमोट होने चाहिए। जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, टाइम बर्बाद करके आप स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद ना करें, ये इग्नू को सोचना होगा, इग्नू के सभी ऑफिशियल्स को सोचना होगा। डायरेक्ट प्रमोट करें जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन की हम मांग करते हैं, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होनी चाहिए, और उनका रिजल्ट जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए, डिग्री अलॉट करनी चाहिए, ताकि उनको कहीं पर भी दिक्कत ना आए, अपने फ्यूचर को लेकर दिक्कत ना आए, जॉब्स को लेकर दिक्कत ना आए। बस यही रिक्वेस्ट है, और ये वार्निंग भी है इग्नू के लिए कि वो सही प्रकार से कार्य करें। आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं प्रोटेस्ट के जरिए, आप लोग ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी की बात आगे तक हम पहुंचा पाएँ। वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना है, सभी को इस प्रोटेस्ट में जुड़ना है, और याद रखना है ये प्रोटेस्ट आप सभी के लिए, आप सभी से है। तो दोस्तों, और भी वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन डोनेट कर सकते हैं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहें। रिमेंबर रखिएगा, आज शाम को फिर से एक लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें आप सभी लोग जल्द से जुड़ जाइएगा। अब की बार ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, वो 15 से 30 मिनट का सेशन होगा, जिसमें आप सभी के कमेंट्स के मैं रिप्लाई दूंगा, और आप सभी के डायरेक्ट कमेंट्स के रिप्लाई भी होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, ताकि आप सभी के आंसर्स मिल जाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।